जब आप नाम सुनते हैं उस आदमी का जिसने अकेले ही पूरा पहाड़ तोड़ कर रख दिया। नहीं नहीं, मैं यहाँ किसी सुपर हीरो की बात नहीं कर रहा, बल्कि हमारे आज के कहानी के सुपर हीरो कहीं और से नहीं बल्कि हमारे देश भारत से ही है, और उनका नाम दशरथ मांझी था। और उनकी कहानी बिहार के गया जिले के गहलोर गाँव से शुरू होती है। बाद में इस आदमी को माउंटेन मैन के नाम से भी जाना गया। दशरथ का जन्म सन 1934 में मूसाहर प्रजाति में हुआ, और यकीन मानिए ये मूसाहर प्रजाति भारत की सबसे गरीब जनजातियों में से एक है। इसलिए ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है कि ऐसी बैकग्राउंड से एक आदमी उठकर सामने आया जिसने पूरे पहाड़ को ही तोड़ डाला। लेकिन इसी गरीबी ने दशरथ को सहारा भी दिया। बचपन में ही वो अपने गांव में देखता आ रहा था कि उसके गाँव के सामने खड़ा ये 300 फुट ऊंचा पहाड़ पार करने के लिए लोग मुश्किल से चढ़ पाते हैं। यहाँ तक कि गांव की महिलाएं पानी लेने के लिए हर रोज उस पार जाकर पैदल ही लेकर आती हैं। आम भाषा में कहूँ तो इस गांव के पास बेसिक सी चीजें जैसे कि पानी, बिजली और स्कूल्स या फिर हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं थे। ऐसे हालात देखकर दशरथ बहुत छोटी उम्र में ही काम धंधा करने के लिए धनबाद शहर आ पहुंचा, और उन्होंने ये 193 किलोमीटर लंबी दूरी पैदल चलकर ही पार करी थी। वो अभी तक एक बच्चे ही थे, और इसी बचपने में वो कोयले की खदान में काम करने लगे। लेकिन तकरीबन 7 सालों तक उन्होंने वहां पर काम किया, जिसके बाद वो वापस अपने गांव गहलोरा पहुंचे। यहां रहते हुए उन्होंने खेतों में मजदूरी का काम करना शुरू किया, लेकिन यहां भी वो कुछ खास पैसा नहीं कमा पाए। लेकिन अपने गांव वापस आते ही दशरथ की शादी हो गई, जिसमें उनकी पत्नी का नाम फाल्गुनी देवी था, और उनसे उनको 2 बच्चे भी हुए। परिवार हो चुका था, उनकी भी जिम्मेदारी सर पर थी। आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि दशरथ के मन में ऐसी क्या बात थी जो उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहाड़ को अकेले ही काटने का फैसला किया। तो जवाब है कि ये गांव आम जनजाति से बिल्कुल अलग थलग था। हॉस्पिटल नाम की यहाँ कोई चीज नहीं थी। सबसे पास का कस्बा जहाँ डॉक्टर मिल सकता था वो वजीरगंज था, जिसकी दूरी गहलोर से तकरीबन 40 मील की थी, और ये 40 मील भी लोगों को पहाड़ चढ़कर पैदल ही पार करने पड़ते थे। आम भाषा में कहूँ तो दशरथ का गांव और आम जरूरतों के बीच ये पहाड़ उनके सामने खड़ा था। और तब आया सन 1960 का एक दिन, जब दशरथ पहाड़ के दूसरी तरफ अपने काम पर थे, जबकि पीछे से घर पर उनके बच्चे बाहर खेल रहे थे और उनकी पत्नी फाल्गुनी पहाड़ के उसी साइड पानी भरने के लिए गई हुई थी। सोचकर देखिए, फाल्गुनी को सर पर मटका रख के ये 300 फुट ऊंचा पहाड़ चढ़ना भी था और उतरना भी था। ये ऐसा रास्ता था जहाँ पर पहले भी बहुत से हादसे देखे और सुने जा चुके थे, लेकिन फाल्गुनी हर रोज ये काम करती थी। बदकिस्मती से उस दिन फाल्गुनी का पैर वहां से फिसला और वो सीधा नीचे गिरने लगी। उसका ऐसा हाल होते हुए नीचे गाँव में मौजूद लोगों ने देखा, और उनमें से एक तुरंत भागकर दशरथ के पास आया और उसे सब कुछ बताया। यहाँ दशरथ का बुरा सपना सच हो चुका था। सबसे पहले तो दशरथ कई मील भागकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा, लेकिन उसे भी पता था कि यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है। अगर फाल्गुनी की जान बचानी है तो उन्हें तुरंत 64 किलोमीटर दूर वजीरगंज में डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, और इस रास्ते को पार करना वो भी फाल्गुनी को अपने ऊपर उठाकर लगभग नामुमकिन जैसा था। अगर दशरथ ये करने की कोशिश भी करता तो भी वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि दशरथ के वहां पहुंचने से पहले ही फाल्गुनी देवी अपने प्राण त्याग चुकी थी, और अपनी पत्नी को खोने से दशरथ पूरी तरह से टूट गए। बहुत से लोगों के लिए दशरथ की ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, पर मेरे लिए दशरथ की कहानी यहीं से शुरू होती है। अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद उन्होंने हर सरकारी अधिकारी के आगे हाथ पैर जोड़े और कहा कि इस पहाड़ को काटकर एक रोड बना दो, ताकि अगर आगे कोई ऐसा हादसा हो तो जान बचाई जा सके। लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दशरथ को भी समझ आ गया था कि सरकार को इस काम के लिए मनाना नामुमकिन जैसा है। उसने अपने गांव वालों से भी बात की, लेकिन किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया, जिसके बाद उसने खुद ही आगे का स्टेप लेने का सोचा, और यहीं से शुरू होती है मैन वर्सेस नेचर की कहानी। अपनी पत्नी को याद करके उसने अकेले ही इस पहाड़ को बीच में से काटने का निर्णय लिया। अब खुद सोच कर देखिए कि पहाड़ काटना तो छोड़िए, इस पहाड़ में छेद करना भी बिना मशीन्स के पॉसिबल हो ही नहीं सकता, जबकि दशरथ के पास तो सिर्फ छीनी और हथौड़ा ही थे। लेकिन इन औजारों से ज्यादा दशरथ ने अपना मन मजबूत बना लिया था, और सन 1960 में ही उसने इन पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं कि ये गहलोर गांव इस पहाड़ की एक बहुत ही बड़ी रेंज के बराबर में बना हुआ है। इसे बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है उसे हम मेटाफॉर्मिक के नाम से भी जानते हैं। वो हर रोज इस पहाड़ को देखते और सोचते कि अगर ये पहाड़ यहाँ नहीं होता या फिर इसके बीच में कोई रास्ता होता तो वो अपनी पत्नी को बचा सकते थे। वो हर रोज पहाड़ पर चढ़ जाते और लोग उन्हें देखकर उन पर हंसने लगते और बोलते कि 2-4 दिन में थककर वापस आ जाएगा। उन्होंने अपनी 3 बकरियां बेचकर 2-3 नए छीनी हथौड़े खरीदे। हर सुबह सूरज उगने से पहले दशरथ उठ जाते और अपने पड़ोसी के खेत में थोड़ा सा काम करके अपने और बच्चों के लिए 2 टाइम का खाना जुटाते। सुबह सुबह ही इतना काम करके बंदा थक जाता है, और वहां काम करने के बाद वो सीधा पहाड़ पर चढ़ जाते
और उसकी एक एक चट्टान पर चोट मारने लग जाते। बेशक उनके पास बहुत बढ़िया हथियार नहीं थे, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके। कुछ चट्टानें ऐसी भी थी जिसे ना ही कोई हथौड़ा और ना ही कोई छीनी काट सकती थी। इसका भी इलाज दशरथ ने ढूंढ लिया और वो उस चट्टान के टुकड़े पर बहुत सारी लकड़ियां जला देते, और जैसे ही वो लकड़ियों की आग से चट्टान गर्म होती तो वो तुरंत उस गर्मा गर्म चट्टान पर ठंडा पानी फेंक देते, जिससे चट्टान एक ही झटके में क्रैक हो जाती और उसके बाद उसे काटना बहुत आसान था। शुरुआती दिन दशरथ के लिए बहुत भयंकर रहे, क्योंकि ऊंचाई पर काम करते करते दशरथ का खुद भी कई बार पैर फिसल जाता और वो चोटें खाते हुए नीचे गिरते। वो हर रोज अपनी ही जिंदगी के साथ जुआ खेल रहे थे, क्योंकि चोट खा खा कर उनके नीचे मौजूद पत्थर कभी भी खिसक सकता था। उन्हें अंदाजा था कि उसके बाद उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ हार नहीं मानी। धीरे धीरे कर उनकी पहाड़ तोड़ने वाली खबर पूरे गाँव में फैल गई, लेकिन फिर भी कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। दिन महीनों में बदलते गए और महीने सालों में, गर्मी सर्दी धूप बारिश में दशरथ को काम करता देख लोग उसे पागल बोलने लगे। जब भी वो अपना पूरा दिन का काम खत्म करके नीचे उतरते तो लोग उन्हें ताने मारने लगते और कहते कि ये काम कभी नहीं हो पाएगा। लोग उसे पास बैठाकर समझाते कि ये फालतू का काम करने की बजाय और कोई काम धंधा करो, जिससे कम से कम उसके बच्चों का तो पेट भर जाए। जबकि कुछ लोग तो उसे ये बोलते कि इतना काम करने से वो मर जाएगा। लेकिन दशरथ के दिमाग में कुछ और ही बैठा हुआ था। उन्होंने अपनी जिंदगी के सभी सुख त्याग कर उन्हें बस अपने गांव का फ्यूचर सिक्योर करना था, ताकि कोई और उसकी तरह अपने प्यारे सगे संबंधियों से दूर ना हो पाए। इसलिए वो लगातार काम में लगे रहे। कुछ साल बीते तो लोगों ने भी पहाड़ में हुए बदलाव को नोटिस करना शुरू कर दिया और फाइनली उन्होंने अब दशरथ को खाना पीना दान करना शुरू किया। यहाँ मैं एक दो साल की बात नहीं कर रहा, बल्कि 20 सालों से भी ज्यादा समय की बात कर रहा हूँ, और इतना टाइम अब बीत चुका था और इतने टाइम में वो पहाड़ अब दशरथ के आगे हार मान चुका था और उसका हाल धीरे धीरे ऐसा होने लगा। 22 साल तक दशरथ पूरी तरह से इस काम में लगे रहे। सुबह उठकर आसपास के खेतों में काम करना और उसके बाद पहाड़ पर चढ़ जाना। अब इस पहाड़ को काटने में उसके दो नए दोस्त शामिल हो चुके थे, और वो थे एक नई छीनी और एक नया हथौड़ा। और तब आया साल 1982, जब दशरथ को ये पहाड़ काटते हुए पूरे 22 साल का समय बीत चुका था। दशरथ ने फाइनली इस पहाड़ की अंतिम चट्टान को काटा और यकीन मानिए, उसने ऐसा कुछ कर दिखाया जिसे हम चमत्कार कहें तो भी वो गलत नहीं होगा। ना सिर्फ इस पहाड़ को बीच में से काटा गया था, बल्कि इतना बड़ा हिस्सा काटा था कि वहां से एक बड़ा ट्रक आसानी से निकल जाए। पहले गांव वाले जो रास्ता तकरीबन 43 मील चलकर पार करते थे, वो अब 3-4 मील का रह गया था, और ये संभव हो पाया सिर्फ दशरथ मांझी की वजह से। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि इस दुनिया के सबसे पुराने पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में 23 लाख चट्टान के टुकड़े और पूरे 20 सालों का समय लगा था, जबकि इसे बनाने में हजारों मजदूर एक साथ काम करते थे। लेकिन यहाँ सिर्फ एक आदमी ने 22 सालों का समय लेकर पूरे एक पहाड़ को ही बीच में से काट डाला। अच्छी बात यह थी कि दशरथ का एक काम होते ही ना सिर्फ दशरथ पर बल्कि पूरे गांव पर ही एक पॉजिटिव इफेक्ट गया, क्योंकि अब गांव के लोग आसपास के शहरों और हॉस्पिटल तक कुछ ही मिनटों में पहुंचने लगे और बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। ये काम होने पर सभी का रिएक्शन क्या था, तो यकीन मानिए, दशरथ को पूरे गाँव ने इतना मान सम्मान दिया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। जैसे ही ये खबर आसपास के गांव में फैली तो देश के बड़े बड़े पत्रकारों ने गहलोर गांव का रुख किया और सभी दशरथ का इंटरव्यू लेने पहुंच गए, और इसी न्यूज कवरेज ने दशरथ मांझी को माउंटेन मैन का नाम दिया, जबकि पहले लोग उसे मैडमैन के नाम से जानते थे। इसी मैडमैन को जो जो जानता गया उसके लिए वो हीरो बनता गया। उनका कद अब इतना ऊंचा हो चुका था कि आसपास के गांव में लोग उनके पुतले लगाने लगे। बेशक दशरथ ने पहाड़ को काटकर रोड तो चीर दिया था, लेकिन वो अब भी कच्चा ही था। अब उनकी कहानी एक नेशनल न्यूज बन चुकी थी, इसलिए सरकार ने भी शर्मसार होकर यहीं पर एक रोड बनाने का प्रस्ताव पेश किया। अगर यही सरकार पहले दशरथ की सुन लेती तो आज दशरथ को कोई नहीं जानता होता। दशरथ ने खुद को दुनिया के सामने प्रूव किया। वो चाहते थे कि वहां एक रेलवे स्टेशन भी उनके यहां बनाया जाए, क्योंकि उनके पास ही का रेलवे स्टेशन उनके गांव से तकरीबन 6 मील दूर जेठिया कस्बे में था, और ये प्रस्ताव पास करवाने के लिए उन्होंने सीधा अब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। उनका प्लान था कि वो अब सीधा तब के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलेंगे। उन्होंने जेठिया गाँव से ट्रेन पकड़ी, और उनके पास दिल्ली तक जाने के भी टिकट के लिए पैसे नहीं थे, और टीटी ने उन्हें अगले ही स्टेशन पर धक्के मारकर निकाल दिया। और क्या आप विश्वास करेंगे कि उन्होंने यहाँ अपना प्लान कैंसिल नहीं किया, और ट्रेन से उतारे जाने के बाद भी वो दिल्ली तक 600 मील का सफर अकेले और पैदल तय किया। लेकिन यहाँ उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। प्राइम मिनिस्टर से मिलना तो दूर, उनके निवास स्थान के बाहर खड़े गार्ड्स ने उन्हें धक्का देकर वहां से भगा दिया। 2000 की शुरुआत तक भी दशरथ मांझी अपने गाँव के लिए जगह जगह से पैसे जुटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन तब उनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सन 2006 में हुई। अब तक उनका नाम लगभग पूरे भारत में जाना जाने लगा था, और खास तौर पर बिहार में तो बहुत ज्यादा।
वो फेमस हो चुके थे और यहीं पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर से एक पक्का रोड बनवाने की रिक्वेस्ट की। यहां ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर ने प्रस्ताव पास किया बल्कि दशरथ को उनके ही गाँव में 5 एकड़ जमीन भी उपहार में दी। और इसी समय आकर पूरी जिंदगी में पहली बार दशरथ को खुद की जमीन मिली थी। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि जो जमीन दशरथ को मिली थी उन्होंने उस जमीन पर अपने गांव के लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए उसे दान में दे दिया। उन्हें कई पक्के घर भी दान दिए गए लेकिन उन्होंने किसी भी घर को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि फाइनली अब उनका मिशन पूरा हो चुका है। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ शुरू किया था लेकिन ये मिशन उनका पूरे गाँव के लिए बना। 23 जुलाई 2007 के दिन ये रोड बनकर तैयार भी नहीं हुआ था। उस दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद एम सेंटर में दशरथ से मिलने पहुंचे। बदकिस्मती से दशरथ के शरीर में गॉल ब्लैडर का कैंसर फैल चुका था। सिर्फ 2 दिन बाद उनकी हालत और बिगड़ गई और उन्हें तुरंत इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती किया गया। 17 अगस्त 2007 के दिन दशरथ इस दुनिया को छोड़कर अलविदा हो गए, पर उनका ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था। दशरथ के पार्थिव शरीर को उनके गांव गहलोर में लाया गया और वहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके दुनिया छोड़ने के तकरीबन 4 साल बाद ये रोड पूरी तरह से बनकर तैयार थी। इस रोड के मुहाने पर एक गेट लगाया गया और इस गेट का नाम आप खुद पढ़ लीजिए, दशरथ मांझी द्वार। उनके कई स्टैचूज भी बिहार में अलग अलग जगह पर लगाए गए हैं। उनके नाम की डाक टिकट दुनिया में आज भी चल रही हैं। उनकी जिंदगी पर कई मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज तक बनाई जा चुकी हैं और उन्हीं की सच्ची कहानी आज मैंने आपके सामने रखी। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सैंडी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।